जी जी ज्यादा नहीं बचा है, खत्म ही हो जाएगा। हम लोग जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज में देख रहे थे, तो फ्यूज का था। फ्यूज अलग अलग साइज के आते हैं, आपको पता है, अलग अलग मतलब रेट का, रेट मतलब उसका कितना, उसका कैपेसिटी है एक तरह का, बोल दीजिए कि वो कितना तक का करंट को, एम्पियर के करंट को वो फ्लो करने देगा। उससे ज्यादा होगा तो उसको ब्लॉक करने के लिए ज्यादा हीट होके फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होना मतलब समझते हैं ना, पिघल जाएगा, जी मेल्ट हो बिल्कुल जाएगा, इसीलिए इसका नाम ही रखे हैं फ्यूज, नहीं समझे? तो ये अपना जी पावर का अलग अलग होता है। तो अब मान लीजिए व्हेन एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर, 1 किलोवाट है, वाट क्या है, पावर का यूनिट होता है, आपको यस आई पता नीड अ फॉरवर्ड है ना। किलो वाट मतलब 1000 वाट हो गया, 1 किलोवाट का, ठीक है। इज ऑपरेटेड जी एट 220 वोल्ट, और इसका 4.54 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वोल्ट दिया है, पावर दिया है, तो करंट तो निकाल सकते हैं आप, उसका निकाल सकते हैं। ये जी क्यू होता है, जी पावर इज इक्वल टू वी, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू था ना, जी हाँ, तो वी क्यू बाई जी टी कर सकते हैं ना हम, जी वी क्यू बाई टी, क्यू बाई टी आई हो गया, वी आई हो गया पावर के बराबर, पी इज इक्वल टू वी आई हो जी जाएगा, होगा जी यू बाई टी तो आई होता है ना। तो पावर, जी तो अगर हम करंट निकालना है तो पी वाई वी हो जाएगा, पी वाई वी इज इक्वल टू आई। तो आप अगर 1 किलोवाट का है, 220 वोल्ट करंट पावर उसको दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उससे करंट 4.54 जाएगा, ठीक है। इन दिस केस जी 5 5, तो अगर 4.5 एम्पियर तक करंट जा रहा है, ठीक, 1 किलोवाट का पावर दिए हैं, तो उसका मस्त है कि हम उसका जो फ्यूज जो है 4.54 से ज्यादा एम्पियर का रखेंगे, तभी तो करंट हमारा 4.54 को फ्लो करने देगा। अगर हम इलेक्ट्रिक, जी मान लीजिए आयरन है ना, बोल रहे हैं कि हम एक आयरन बनाए, क्या बनाए हैं, एक आयरन बनाए, उसमें दो होता जी है ना, ये 2 पॉइंट होता है आयरन के अंदर, उसमें हीटर रहेगा, होगा ना। और यहीं पर हम एक जी फ्यूज भी बना देते हैं, यहाँ पर हम ना एक फ्यूज का सिस्टम बना देते हैं, क्या बना देते हैं, फ्यूज का। तो यहाँ पर हम जी फ्यूज जोड़ देंगे सीरीज में, ठीक है। फ्यूज जोड़ने का मतलब क्या, यहाँ से करंट जाएगा और इसके फ्यूज से होके जाएगा, और इसको हमको गर्म करेगा, क्या करेगा, गर्म करेगा, करें और गर्म करेगा तो हम आयरन को काम करेंगे, ठीक है। हम बोलते हैं इसका इसका पावर जो है आयरन का 1000 वाट है, क्या है, 1000 1000 वाट वाट है, ठीक वाट है, मतलब 1 किलोवाट का है, तो मतलब इस काम करने के लिए इसको 1000 वाट चाहिए। और इसको हम घर जी में, जनरली घर का जो पावर सप्लाई होता है 220 वोल्ट होता है, मालूम है आपको क्या होता है, 220 वोल्ट 220 वोल्ट होता है ना। तो अब घर में टू जी ट्वेंटी वोल्ट पे आपको 1000 वाट लेना है, तो इससे कितना करंट जाएगा, तो करंट इज इक्वल टू होता है, करंट इज इक्वल टू होता है पी वाई वी, पी वाई वी, वी मतलब जी पावर होता है, वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, आप निकाल सकते हैं। जब हम वर्क डन था, वर्क आवर वी क्यू बोले थे ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू बोले थे, हाँ, जी क्यू को हम क्या जी कर सकते हैं, आई बाई टी कर सकते हैं, आई बाई टी कर सकते हैं ना, जी आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई आई टी, टी है ना, आई टी होगा ना। तो डब्ल्यू वी आई टी जी था, तो पावर इज इक्वल टू वी आई हो जाएगा, होगा ना, वहीं से पर फॉर्मूला हो जाएगा, जी आई इज इक्वल टू पी वाई वी, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट टाइम था, हो गया ना। और अगर जी हम यहाँ पर क्यू लिख देंगे, क्यू लिख देंगे, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू वाई वी, डब्ल्यू वाई, ये डब्ल्यू वाट नहीं, वर्क डन है, जी डब्ल्यू वाई वी हो जाएगा। अगर इसको इसको हम पी इंटू पी बाई टी कर देंगे, तो टी इधर नहीं, पी इंटू टी करेंगे ना, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम, जी
ना, तो जी इधर कर देंगे तो आई हो जाएगा, तो आप डिफरेंट कर सकते हो। तो बोला ये जब इस तरह से कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसको इतना काम करने के लिए, 1 किलोवाट का काम करने के लिए इसको, है ना, इतना करंट जाएगा। करंट आप निकाल सकते हैं, 1000 बटे 220, तो ये आ जाएगा 4.54। तो बोला जाता है काम करने के लिए इसको 4.54 एम्पियर का करंट देना ही देना है, उससे कम देंगे तो काम नहीं, उतना एनर्जी नहीं दे पाएगा हमको, या उतना पावर नहीं दे पाएगा। दे पाएगा? अगर हम 220 वोल्ट से सिर्फ तीन, अगर हम 3 एम्पियर करंट जनरेट कर पा रहे हैं, तो पावर कितना होगा? 660 ही होगा ना हमारा, 660 होगा जी है वाट, 1000 वाट तो नहीं जी जा रहा है। तो जी हम ये फ्यूज हाँ अगर मान लो 3 एम्पियर का दिए यहाँ पर, ठीक है, और ये करंट लेगा 4.54 एम्पियर का, तो जैसे ही 4.5 एम्पियर का जाएगा, तो 3 एम्पियर में तो फ्यूज हो जाएगा, 3 एम्पियर से ऊपर जाते ही होगा ना जी जी फ्यूज जाएगा, तो हमारा जी तो आयरन काम ही नहीं करेगा, तो फिर हमको फ्यूज बदलना पड़ेगा। फ्यूज लगाएंगे फिर 4 एम्पियर का लगा देंगे, फिर 4.5 आ जाएगा, फिर फ्यूज हो जाएगा। तो हमको अब फ्यूज जब भी लगाएंगे, हमको इसके पावर के हिसाब से जो करंट जा रहा है उससे ज्यादा का कर लगाएंगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा। तो हम कितना एम्पियर का यूज करेंगे? 5 एम्पियर का, या 4.54 से ऊपर कुछ भी यूज करेंगे, है ना? जी नहीं समझी बेटी, समझ जी जी गए? जी हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जी कि 1 किलोवाट लग कुछ है या 5 किलोवाट का है, उससे पावर हमारा 220 वोल्ट, हम पावर सप्लाई उसके वो दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है, इसमें हम कितना का फ्यूज यूज कर करेंगे? तो जितना करंट जा रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा करेंगे तो कोई फायदा नहीं, फ्यूज लगा कि वो तो जल ऐसे बिजली हो जाएगा, है ना? जी क्या है? इलेक्ट्रिक जी पावर, इलेक्ट्रिक पावर आप समझ गए? वर्क डन इन जी यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, एंड वर्क डन बाय एनी इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिक पर पावर होगा ना, ये हम यहीं पर बता जी दिए, तो फार्मूला वार्मूला सब आपको समझ में आ गया। एक तरह से देखिए, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, है ना, एनर्जी ट्रांसफर करो या वर्क डन करो इन यूनिट टाइम। रेट का मतलब यूनिट टाइम हो गया ना, है ना? जी और अगर जी इलेक्ट्रिकल है तो उसको हम वाट्स में यूज डिफाइन करते हैं, इसमें यूज करते डिफाइन करते हैं वाट्स। वाट्स और अगर मैकेनिकल एनर्जी वाला को किसमें करते हैं हम लोग? जूल पर सेकंड, उसको भी वाट बोलते हैं। हॉर्स पावर भी होता है, वाट्स होता है, बहुत सारे चीज होते हैं, होता है ना, जी है? जूल सेकंड, जूल पर सेकंड भी जी होता है कि नहीं, जी और अलग अलग भी है। तो अब देखो, द अमाउंट ऑफ पावर बीइंग ट्रांसफर्ड इन इलेक्ट्रिक डिवाइस इज गिवन बाय, बताया, वी वी आई होता है ना, जी वी बी आई, इक्वल हाँ, उसमें टू डब्ल्यू बी से जी वी से, और करंट को ए से नहीं आई से डिनोट करते हैं, ए लिख दिए गलती से, है ना, एम्पियर है वो, या यहाँ पर उसका यूनिट है वाट, वोल्ट और एम एम्पियर। पे जी वाट को हम वोल्ट एम्पियर भी बोल सकते हैं, वाट को हम लोग वोल्ट एम्पियर बोल बोल टेम्पल सकते हैं। तो पावर वोल्टेज, पावर जो है वोल्टेज इंटू करेंट होगा, वर्क डन वोल्टेज इंटू चार्ज था, और ये वोल्टेज इंटू करेंट हो रहा है, करें ये पी जो है वी और आई पे डिपेंड करता है, होता है ना? जी तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, और ये क्वेश्चन आई स्क्वायर आर टी होता है एच का, ठीक है, तो गिव्स द रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। तो पी को हम अगर टी पर यूनिट टाइम है ना, एच बाई टी कर देंगे, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर जी भी लिख सकते हैं, पी इज इक्वल वी आई था, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी हो सकता है, या पी इज इक्वल टू वी बाय आर भी होता है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे हमारा डब्ल्यू के लिए क्या था, वी आई टी था, आई स्क्वायर आर टी था, वी स्क्वायर टी इंटू आर था, टी बाय आर था, उसी तरह पी इज इक्वल टू वी आई, या स्क्वायर आर, या वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ये वी क्या है? ये वी मेरे से पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस आई क्या है? करें
और आर रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जी रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट है ना, जी ठीक है। इस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट? इट इज पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पीयर ऑफ करेंट व्हेन ऑपरेटेड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। वो क्या डिफाइन कर सकते हैं ना आप, 1 वाट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? 1 वोल्ट करेंट, 1 एम्पीयर से अगर 1 वोल्ट करेंट जनरेट हो रहा है तो हम बोलेंगे वहां पर, वहां उसका पावर 1 वाट है ना, जी है ना? जी नहीं है। द वाट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज वाट? द वाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज डिवाइस 1 एम्पीयर ऑफ करेंट व्हेन ऑपरेटेड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट है ना, जी क्लियर है? तो 1 वोल्ट इज जी इक्वल टू 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर होगा, जी ऐसे ही बोल सकते जी हैं। अब देखो ये वाट जो होता है ना बहुत कम होता है, छोटा होता है, और घर वगैरह में हम लोग जो यूज करते हैं ना बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं, बहुत ज्यादा पावर यूज करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा जी पावर यूज करते हैं। पावर यू तो पावर यूज करते हैं तो हम लोग उसको किलो वाट में, घर में जो होता है किलो वाट के इसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं? किलो वाट किलोवाट में। तो मान लो 100 वाट का बल्ब है, बोल रहे हैं 100 वाट का वाट बल्ब है ना, बल्ब 100 वाट का जी बल्ब है, तो बल्ब कितना घंटा जलाएंगे तो 100 किलोवाट वो यूज कर लेगा पावर, 1000 किलोवाट यूज कर लेगा। 10 घंटा जलाएंगे तो वो हो जाएगा 1000 किलोवाट, हो जाएगा ना? हाँ, तो देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, इट्स यूनिट इज वाट आवर। क्या है, हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो वाट आवर यूज करते हैं। वाट आवर मतलब एक तरह का वर्क डन, एनर्जी हो गया ना, पावर इंटू समय, जी टाइम क्या होगा, एनर्जी या वर्क डन होगा ना, जी नहीं होगा? जी जी पावर, वर्क डन या इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? पावर कहलाता है ना। तो वर्क डन या इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या पावर इनटू टाइम हो जाएगा ना। तो वो जी एनर्जी कितना हुआ, घर में हम लोग जो यूनिट यूज लिखते हैं ना, यूनिट, 1 यूनिट उठा, 2 यूनिट उठा बिजली का, बोलते हो मतलब जी तुम्हारे घर में मीटर जी लगा हुआ है, बोलेंगे आज के दिन मेरा 5 यूनिट घर में बिजली उठा। क्या उठा? 5 यूनिट घर में उठा। तो 5 यूनिट कहने का मतलब होता है वाट आवर, 5 यूनिट मतलब 5 यूनिट उठा तो मतलब 5 किलोवाट जो है आपका एनर्जी 1 घंटा तक कंज्यूम हुआ। पावर 5 किलोवाट का, तो वाट आवर होता है आपका 1000 वाट, किलो वाट आवर को यूनिट बोलते हैं हम लोग, किलो वाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं जो घर में चलता जी है, ठीक है, किलो वाट को। तो अगर इसी के लिए हम बोल रहे थे 1000 वाट का 1 किलो वाट हुआ, 1000 वाट का 1 किलो वाट हुआ, 1000 वाट अगर जी आप, 1000 वाट अगर आप 1 घंटा जला रहे हैं तो वो 1 यूनिट उठाएगा। क्या उठाएगा? उठाएगा। यूनिट तो इसी तरह आप अपने घर में कितना हो रहा है यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके घर में 1000 1 किलो वाट का अगर एक ये क्या बोलते हैं आयरन 1 घंटा तक चलाओगे तो 1 यूनिट उठा देगा। 100 वाट का पंखा अगर 10 घंटा चलाओगे तो 1 वाट उठेगा, उठेगा ना? 200 वाट का जी टीवी 5 घंटा चलाओगे तो 1 यूनिट उठेगा। नहीं समझे बात? जी ना, मतलब 1 किलोवाट अगर 1 घंटा तक यूज करेगा कोई इंस्ट्रूमेंट तो वो 1 यूनिट उठाएगा घर में। क्लियर है? तो जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट हम वाट आवर भी बोलते हैं जो घर में यूज करते हैं, वो वाट आवर है। अगर किलो वाट आवर हो जाएगा तो वो 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा, जो घर में यूनिट उठता है, घर में बिजली वाला यूनिट घर में, है ना? क्लियर है? तो जी 3600 सेकंड तक अगर चलेगा मतलब 1 घंटा, 1000 वाट 3600 सेकंड तक चलेगा तो कितना जूल एनर्जी, अब जूल में बदलना होगा 1 किलो वाट को, तो सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 यूनिट में कितना जूल एनर्जी यूज होगा,
इतना जूल एनर्जी यूज होगा, होगा ना, ये जूल में बदल जाएगा ना, वाट इंटू सेकंड जूल होता है, पता है ना, 3.6 × 10 to the power 6 हो जाएगा। तो जी इतना जूल जी एनर्जी बदल जाएगा, वाट सेकंड हो जाएगा, वाट सेकंड होता है जूल, किलो वाट आवर होता है यूनिट, तो एक यूनिट में कितना एनर्जी अगर पूरा का हम वर्क डन करें या हीट में बदले तो कितना हीट एनर्जी हमको मिल सकता है, 1 किलो वाट को, अगर 1 किलो वाट आवर है एनर्जी हमारा, तो उसमें हमारा 3.6 × 10⁻⁶ जूल एनर्जी हमारा मिलता है 1 यूनिट में। क्लियर है? जी तो अब इन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रॉन आर नॉट कंज्यूम, हाँ इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो मूव करता रहता है ना, उसका एनर्जी जो होता है वो जी कम होता है वो ज्यादा होता है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, तो स्लो मूव करेगा तो करंट कम हो गया ना, जी क्योंकि पर यूनिट टाइम में कम पावर, जी कम ये जा रहा है आपको, चार्ज जा रहा है, फास्ट मूव करेगा तो 1 यूनिट टाइम में हमारा ज्यादा चार्ज मूव कर रहा है तो ज्यादा करंट हो जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन का जी मूवमेंट, रेट ऑफ मूवमेंट होता है जो आपको एनर्जी को डिफाइन वो कर सकता है ना। क्लियर है? अब जी ये क्वेश्चन है आपके, ये आप बनाइएगा, कौन सा होना है, करेंट ऑफ आपके बुक में होगा, ठीक है, नहीं होगा तो यहां से आप देख जी लीजिएगा, 24 वाट का है तो इसको ही कीजिएगा, इसको पढ़ के आपको समझिए, मैंने डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा फिर मैं, ठीक है। सब जी क्वेश्चन है, अगर बुक में है तो आप बनाइएगा बुक से, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि आप कैसे एनालाइज करते हो क्वेश्चन, मैं यहाँ डिस्कस करके बता दूंगा तो वो आपका एनालिटिकल पावर नहीं इंप्रूव होगा, ठीक है, क्लियर जी है। हाँ आप पूछना है कुछ तो बताओ। जी हाँ